झुनझुनवाला कॉलेज में शिक्षण हक अभियान की उपेक्षा पर बवाल, स्टूडेंट फाउंडेशन पदाधिकारियों ने प्रिंसिपल की मनमानी पर उठाया सवाल, होगा आंदोलन। नवी मुंबई वासी का ये वही आईसीएल झुनझुनवाला कॉलेज है जिस पर आरोप है कि यहाँ प्रिंसिपल की मनमानी और तानाशाही चलती है। ऐसे में छात्र एडमिशन और फीस में मोहलत की मांग को लेकर कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। घंटों से कॉलेज गेट पर खड़े नवीमुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारियों की यह तस्वीर कॉलेज प्रिंसिपल की इस मनमानी का बड़ा सबूत देती है। अध्यक्ष मनोज महाराणा ने कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गेट पर खड़ा रखा गया। इतना ही नहीं, शिक्षण हक अभियान का निवेदन लेने के लिए वॉचमैन को भेजा गया। यह कॉलेज प्रिंसिपल की तानाशाही और छात्रों की उपेक्षा नहीं तो और क्या है। और कल मेरी आईसीएल कॉलेज से, मोतीलाल झुनझुनवाला कॉलेज वाशी, इनसे मेरी बात हुई थी, इनके प्रिंसिपल से बात हुई थी कि आज हम लोग मिलने के लिए आने वाले, और बच्चों के कुछ इमोशन से, कुछ प्रॉब्लम से, हम आपसे जनरल प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम से हम शेयर करने वाले। तो उन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया हुआ था। आज 2 बजे मैं सोशल डिस्टेंसिंग ये नियम पाल के हम लोग 2 जन हम लोग से मिलने आए थे, तब मैम ने अपना क्या मूड चेंज कर दिया, क्या उनको ऊपर से कोई दबाव आया, मुझे पता नहीं। उन्होंने हमसे डायरेक्ट मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया, और लगभग हम लोग 2.5 घंटे से हम लोग कॉलेज के गेट के पास हम लोग खड़े थे, और मिलने के लिए कोई मैनेजमेंट बाहर नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स लोगों के इशू किस तरीके से हैंडल करते। तो ये सब हो रहा था, तो फिर उन्होंने लेटर लेने के लिए भेजा किसी को, और वो वॉचमैन को भेजा उन्होंने। तो हमें इस बात का दुख है कि ये कॉलेज है, ये आईसीएल कॉलेज है, इतना बड़ा नाम है वाशी में इनका, और ये कॉलेज बच्चों के जो इश्यूज़ है, जो समस्या है, वो समझने के लिए एक वॉचमैन को आगे करते। तो इस चीज़ का ना, मैं मेरे संस्था की तरफ से और एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज़ का मैं निषेध करता हूँ कि ये चीज़ें मैनेजमेंट को कोई पड़ी नहीं है बच्चे लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। मतलब एक वॉचमैन के थ्रू तुम एक लेटर लेने के लिए भेजते हो, उनके भावनाओं को समझने के लिए एक वॉचमैन को तुम भेजते हो। ये सब होने के बाद 2.5 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन से फिर हमको फ़ोन आया, पुलिस आए, तो पुलिसों के थ्रू उन्होंने लेटर कलेक्ट करने के लिए उनके मैनेजमेंट का एक आदमी उन्होंने भेजा है अभी। बट सीरियसली ऐसा कोई कॉलेज ना करे। जी हाँ, यह सच्चाई है मशहूर झुनझुनवाला कॉलेज की, जहां मैनेजमेंट की मनमानी छात्रों के लिए मुसीबत बन रही है। कई छात्रों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे आर्थिक तंगी के कारण पूरी फीस एक साथ भर पाने में असमर्थ हैं, इसलिए वे कॉलेज से फीस माफी नहीं बल्कि कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे हैं ताकि इंस्टॉलमेंट में फीस भर सकें। लेकिन कॉलेज प्रबंधन है कि मजबूर छात्रों की गुहार सुनने तक को तैयार नहीं है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लीजिए। तो अपन आम्ही फक्त जी मागणी करतोय ती कॉलेज मागणी पूर्ण करत नाही। मग कॉलेज ने स्टार्ट केलंय ऑनलाइन ऍडमिशन, तर ऑनलाइनच्या ऍडमिशनमध्ये जी लिंक देत आहेत ती लिंक पण सुद्धा बरोबर नाही आहे। आम्ही जेव्हा 7-8 वेळा जेव्हा ऍडमिशन फॉर्म भरतोय तो रिजेक्ट होतोय, ओके। त्यासाठी मग आम्हाला फीज, ओके, अर्ध्या जणांची ऍडमिशन झाली सुद्धा, अर्ध्या जणांचे कास्टवाल्यांचे बाकी आहेत। मग आम्ही एक मागणी करतोय की आम्हाला फक्त फीजमध्ये कन्सेशन नकोय, आम्हाला फक्त इन्स्टॉलमेंटमध्ये फीस भरायची आहे। आता आमची पात्रता नाही, म्हणजे पात्रता पण बोलू शकत नाही, पण आमची जे मागणी आहे ते इन्स्टॉलमेंटमध्ये, म्हणजे 5,000, 10,000, 25,000, 25,000, 30,000। आता ही आमची परिस्थिती अशी नाही आहे, 6 महिने झाले आता लॉकडाऊन चालू आहे, काहींचे जॉब गेलेत, काही आई वडील भरू शकत नाही, मग तर आमची मागणी काय इन्स्टॉलमेंटमध्ये भरायची, ती सुद्धा आम्हाला ही मागणी आहे, कॉलेज ही पुरवत नाही। अभी मैं TY में हूँ और इनका फीस है 27,510 रुपीज। इस लॉकडाउन में हम लोग के पास इतनी फीस है नहीं कि हम इनको पूरा फीस एक साथ में प्रोवाइड कर सके। तो हमारा मतलब डिमांड है कि कम से कम हमें 2-3, अगर दो भी नहीं तो कम से कम एक तो इंस्टॉलमेंट दे, हम हाफ ऑफ फीस पे कर सके। और हम आए थे यहाँ पे, परसों आए थे, तो एक सर थे, उन्होंने बोला कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मतलब आगे कुछ बात करना पड़ेगा। आप आगे किससे मिले, वो किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हमें। या वर्षी SY साठी ऍडमिशन ला, मला मागची पण फर्स्ट इयरची पण फीस भरायला लावतात 15,000 प्लस, या वर्षाची बोलतात ते 15,000 भरल्यानंतर तुझा SY चा आम्ही फॉर्म बघू, त्यानंतर ते बोलतात की 20,000 ते पण भरायचे। मग यासाठी आम्ही एकदम 35,000 आणणार कुठून? तर आम्हाला फक्त एवढंच पाहिजे की कन्सेशनमध्ये इन्स्टॉलमेंटमध्ये आम्हाला भरायला फीस पाहिजे। ISL कॉलेज के आम्ही स्टुडंट आहे, हमारे घर में मतलब पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे भी और कुछ बहनें हैं जिनको पैसे की, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मेरा भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है घर के वजह से। और जो प्रॉब्लम इनको मैंने मैम से बताया था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, रिप्लाई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। हम इतना ही चाहते हैं कि मीन्स
इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे का व्यवस्था करके मतलब हम भर सके उतने ही चाहते हैं। अभी फ़ी भरना तो इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है जल्दी से जल्दी, तो इन लोग यही मैसेज कर रहे हैं कि आप जल्दी फ़ी भरो। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टॉलमेंट में दो, हमें कुछ टाइम दो फ़ी भरने के लिए। एंड इन दिस सिचुएशन ऑफ पैंडमिक आई एम नॉट एबल टू पे एनी फीस, बट आई एम स्टिल आस्किंग देम कि आप मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पे करने के लिए अलाउ करो, बट वो वहाँ पे आगे जाने ही नहीं दे रहे। तो लाइक दिस इज़ नॉट फेयर। अगर हम इतना पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपने हमारी प्रॉब्लम्स भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं फीस पे करना, वो लोग से चलो ठीक है, वो लोग पे कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते एटलीस्ट उनको कुछ टाइम दो। दो दिन पहले मुझे मैसेज आया, लाइक कल ही मुझे मैसेज आया कि योर फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव एंड विद इन टू डेज यू शुड पे द फीस। 19,360 इज माई फीस, कहाँ से लाओ एक दिन में। फिलहाल स्टूडेंट फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रिंसिपल ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो झुंझुनवाला कॉलेज को छात्रों का तीव्र आंदोलन झेलना पड़ेगा। ही या कॉलेज ने अशी पद्धतीने आपली लायकी दाखवलेली आहे, तरी आम्ही या कॉलेजला शेवटी या कॉलेज आणि पोलिसांना फोन करून पोलिसांना बोलून वगैरे यांनी निवेदन आमचं घेतलेलं आहे, तरी आम्ही या कॉलेजला अल्टिमेटम दिलेला आहे। तर त्या प्रॉब्लेम्स खरंच सॉल्व नाही झाल्या तर आम्ही विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात यांच्यावर आंदोलन करू, पण सध्या आम्ही निवेदन देऊन त्यांना विनंती केलेली आहे की जे काही पोरांचे प्रॉब्लेम्स होत आहेत त्या प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करावं। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।